राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिले में चलाए जा रहे पोषण जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत सोमवार को विद्यापति नगर प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में प्रखंड स्तरीय पोषण परामर्श मेला का आयोजन किया गया। CDPO डॉक्टर सुनीता कुमारी की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम का प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रकृति नयनम ने फीता काटकर दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर ICDS ने बच्चों के पोषण से जुड़ी पोषण प्रदर्शनी और आंगनबाड़ी केंद्रों पर संचालित पोषण वाटिका की प्रदर्शनी लगाई। इसका अवलोकन वीडियो ने किया। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने वीडियो को प्रदर्शनी के माध्यम से पोषण संबंधित जानकारी दी। वीडियो प्रकृति नयनम ने कहा कि बढ़ते बच्चों के लिए संतुलित आहार और पोषण जरूरी है, तभी स्वास्थ्य समाज का निर्माण होगा। CDPO ने कहा कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण अभियान को कारगर और प्रभारी ढंग से सफल बनाने की जरूरत है। कार्यक्रम के तहत प्रखंड के हरपुर बोचाह गांव की महिला संध्या कुमारी के बच्चों को चम्मच से खीर खिलाया। इसके बाद CDPO ने व वीडियो ने संयुक्त रूप से मिर्जापुर गाँव की गर्भवती महिला माला कुमारी को पौष्टिक सामानों का उपहार देकर गोदधराई की रस्म को पूरा किया। साथ ही हरी झंडी दिखाकर पोषण जागरूकता रैली को रवाना किया। हर गाँव हर शहर में पोषण प्रति लोगों को जागरूक करने से संबंधित शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में BC अमित कुमार, BPA सुकेश कुमार महतो, प्रधान लिपिक सतेन कुमार, LS राधा कुमारी, चंद्रा कुमारी, रेणुका कुमारी, पूनम कुमारी सहित कई महिला पर्यवेक्षिका और सेविका मौजूद थी। आज पोषण दिवस के ऊपर पे कैसा कार्यक्रम यहाँ किया गया? पोषण माह के अंतर्गत आज CDPO कार्यालय में अनुप्राशन कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमे 6 माह के बच्चे को पहला भोजन तो सुपाच्य भोजन हो उसके लिए और पौष्टिक भी हो वो करवाया जा रहा है। काफ़ी सारे और कार्यक्रम भी हैं। एक जागरूकता रैली निकाली जा रही है आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम कर रही है। हम लोग पोषण 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है और उसके तहत हम लोग विभिन्न कार्यक्रम करा रहे हैं। उसमें पोषण परामर्श केंद्र की स्थापना हम लोग किए हैं, जिसके माध्यम से जो भी गर्भवती माताएं हैं या छोटे बच्चे हैं जिनको किसी तरह की दिक्कत है तो वो यहाँ से परामर्श ले सकते हैं और फिर उनका काउंसलिंग करके हमारी LS और उनको बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं मुहैया कराने का सलाह देंगी। साथ ही साथ उनके साथ जो अगर कोई तरह का दिक्कत है तो फिर हम लोग उसके लिए हेल्थ को रेफर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आज जो कार्यक्रम किए हैं उसमें पोषण से संबंधित बहुत सारी कार्यक्रम जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से जन जागरूकता करके सामुदायिक सहयोग ले करके हम इस कुपोषण को दूर कर सकते हैं। खास करके हमारे यहाँ आज जो गोदभराई का कार्यक्रम किया जा रहा है, अनुप्राशन जो 6 माह के बाद बच्चे को मुजूठी कार्यक्रम कराया जाता है वो करा रहे हैं। हमारे पोषण रैली भी निकलने वाली है, हमारी क्षेत्र की सेविकाएँ भी यहाँ मौजूद हैं, सभी पोषण का संदेश क्षेत्र में भी दे रही हैं और गृह भ्रमण के दौरान लोगों को जागरूक कर रही हैं, प्रभात फेरी कर रही हैं, रैलियाँ निकाल रही हैं और बच्चे का वजन लेकर कुपोषित बच्चों की पहचान कर रही हैं। साथ ही साथ इनको 4 सप्ताह का थीम दिया हुआ है, उसमें एक बोतल फ्री बच्चे को जो दूध पिलाते हैं बोतल से उसको हम लोगों को धीरे धीरे रोकना है और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, उसका परिणाम भी सकारात्मक आ रहा है। लेकिन हम लोग इसको और आगे तक ले जाएंगे ताकि पूरा जो इसका मुख्य थीम है कि कुपोषण दूर करेंगे तो व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये सभी लोगों के समुदाय के लोगों को जानकारी इस बात की पहुंचेगी तब जा करके हम लोग अपने मिशन को सफल कर पाएंगे। R9 भारत के लिए रत्न शंकर भारद्वाज की रिपोर्ट समस्तीपुर से।